फरवरी का महीना खत्म होने वाला है, मार्च महीने की शुरुआत होने वाली है। 1 मार्च 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधा आपके और हमारे जेब पर असर डालने वाला है। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। मार्च महीना इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये आखिरी महीना होता है। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप हर उन चीजों की जानकारी रखें जो अगले महीने से बदल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मार्च में होने जा रहे इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार की बात करते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए मार्च का महीना कम कारोबारी दिनों वाला साबित होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिरी महीने यानी मार्च 2024 में पूरे 12 दिन भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा और केवल 19 दिनों में ही इसमें ट्रेड होगा। अब अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो त्योहारों की वजह से मार्च में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी बैंक हॉलीडे रहेगा। ऐसे में अगर बहुत जरूरी काम है तो फिर इस महीने के बाकी बचे दिनों में ही आप बैंकिंग से जुड़ी सारी कामों को निपटा लें, क्योंकि अगले महीने होली, महाशिवरात्रि से लेकर गुड फ्राइडे जैसे तमाम मौके पर बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। अगर आपको छुट्टी के दिन बैंक से जुड़े काम हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। बैंकों में छुट्टियां रहने के बावजूद ऑनलाइन और एटीएम की सभी सेवाएं जारी रहती हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अब आइए गैस सिलेंडर पर। सरकारी तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, तो ऐसे में 1 मार्च को गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। भारतीय रेलवे की तरफ से भी खुशखबरी आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने टिकट की कीमतों को एक बार फिर प्री कोविड स्तर पर कर दिया है। इस कदम से पैसेंजर ट्रेनों के टिकट की कीमतों में लगभग 40-50% की गिरावट आएगी। दरअसल पहले यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन यात्रा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों पर द्वितीय श्रेणी के साधारण किराए को बहाल कर दिया है। अब आइए डीए पर। महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और उनकी सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।